So every year in India, approx 95 lakh student pass out from their graduation and approx 15 lakh student complete their engineering degree. So हर साल हमारे पास 80 लाख स्टूडेंट हमारे पास होते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है इन देयर फील्ड और इंजीनियरिंग कंप्लीट की होती है एंड दे विल बी मेकिंग देयर प्लेस जंपिंग इन द मार्केट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बेटर टू प्लान योर फ्यूचर बिफोर डूइंग योर ग्रेजुएशन सो दैट आपको आगे जाके तकलीफ ना हो. So let's welcome in. Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. I am your guide and assistant professor of English Literature. Welcome you all on this platform Way to English Literature, guiding you and my students. So I am getting some messages from my student कि कैसे हमें मैम ग्रेजुएशन करना चाहिए. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट्स शेयर करूंगी. बिफोर एंटरिंग आ वीडियो, दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेगमेंट्स इन योर करियर, आपको एम्प्लॉयमेंट की जर्नी में आसानी हो. सो बिफोर ड्राइविंग इनटू द सिलेक्शन प्रोसेस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज बैचलर्स डिग्री ऑफ आर्ट्स. हियर इन बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, सो इट इज 3 ईयर अंडरग्रेड्स प्रोग्राम. बेसिकली इस 3 ईयर्स के अंडरग्रेड प्रोग्राम में आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्शन मिलेंगे, लाइक इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड मैनी मोर. आफ्टर रीडिंग दिस सब्जेक्ट्स यू कैन मेक योर करियर इन जर्नलिज्म एज अ लीडर, एज अ लैंग्वेज करियर, यू कैन मेक योर करियर इन टीचिंग एंड यू कैन मेक योर करियर इन द वाइड फील्ड एरिया ऑफ आर्ट्स, साइकोलॉजी, लिटरेचर, सोशोलॉजी, हिस्ट्री एंड अदर वाइड ऑप्शंस. Let us move in the second most important section is interest area and goal. Let us understand briefly. हर स्टूडेंट को पहले से नहीं पता होता है what they want to do or what they are going to do. We'll be giving you a small example. If you have passion for traveling, travel in your BA or you should follow tourist course so that you can make career out of that. दो टाइप की यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं. वन स्टूडेंट दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 12th एंड अदर हैंड ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ नहीं पता बट दे हैव डन देयर 12th. तो उनमें से मैं भी एक स्टूडेंट थी जिसे मुझे कुछ नहीं पता था व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th. एज आई हैव कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड and I have shifted toward arts background. तो क्या ऐसा हो सकता है? Yes, it is possible. You have to just follow your dreams, your passion. तो अगर आप किसी भी stream से हैं और now you want to make your career, you want to make your career out of your teaching, history में, literature में या फिर कोई भी ऐसे field में जिसमें आपका interest 100% है, तो वो field आपको select करनी चाहिए. For that, I will be giving you example like आपको BA honor चाहिए, BA degree की तरफ जाना चाहिए. एक subject को specialize कर दो. For example, if you are taking BA honors in political science, so you will get political science as a specialized subject. And if you do a BA degree in like history, political or एक subject आपका English literature भी हो सकता है, Hindi literature भी हो सकता है और it could be music. So आप other subject भी ले सकते हो उसके साथ, तो आपके पास wide area of choice होंगे. उन 3 सालों में आपके अंदर interest automatically develop हो जाएगा और आपका interest area आपको पता चल जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आई हैव गॉट कमेंट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीए ऑनर्स एंड बीए डिग्री. सो इट इज़ क्लियर डिफरेंस दैट बीए ऑनर्स एक स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है. इफ़ यू ऑलरेडी नो आई हैव टू फॉलो माई ड्रीम्स इन लिटरेचर ओनली, इंग्लिश लिटरेचर ओनली, तो आई विल बी डूइंग बीए ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूँगी, बीए डिग्री करूँगी. सो कि जो कि मुझे 3 साल मिल जाएंगे, आई विल हैव 3 ईयर्स इन माई हैंड और उन 3 सालों में मैं अपना इंटरेस्ट धीरे से डेवलप कर लूँगी. नेक्स्ट, रिसर्चिंग अवेलेबल सब्जेक्ट्स. सो वॉट इज रिसर्चिंग अवेलेबल सब्जेक्ट, सेगमेंट रिसर्च करना है आपको. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक योर एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, आपने एंट्रेंस दिया है,
तो यू कैन गो इन दैट यूनिवर्सिटी, आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, डायरेक्टली प्रोफेसर से वन टू वन कन्वर्जेशन कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट एरिया का स्कोप जान सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैविंग एनी डाउट इन योर माइंड, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसका डाउट क्लियर करना है, मुझे ये डाउट, अगर आपके घर में कोई ऐसा है प्रोफेसर है टीचिंग करियर में है जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो यू कैन टॉक विद दैम. अगर आपको काउंसलिंग के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप प्रोफेसर के पास जाकर उनसे वन टू वन कन्वर्जेशन कर सकते हैं, आपको कभी भी कोई भी मना नहीं करेगा. सो दैट इट विल ऑल्सो शो योर इंटरेस्ट टू दैट प्रोफेसर, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है, आपको हमेशा अपने प्रोफेसर के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, सो दैट दे कैन गाइड यू आफ्टर योर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स डिग्री. और उस एरिया में जाके आप ज़रूर से रिसर्च करें. यू कैन ऑल्सो टेक सम हेल्प ऑफ वेबसाइट्स, आई विल बी गिविंग यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वेबसाइट के नाम में दे दूंगी. जो ऐसा ना हो कि आपको बाद में जाके पता चले अरे मुझे साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना था, तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको पता चले कि मेरा इंटरेस्ट ये है पर मैंने अपनी बैचलर्स में गलतियाँ की है. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उस हिसाब से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, सो दैट आपको फ्यूचर में वो फ्रूटफुली हेल्प करें. सो सेगमेंट 4 इज कोर सब्जेक्ट एंड इलेक्टिव. बेसिकली जो कोर सब्जेक्ट होते हैं दैट आर द फाउंडेशन ऑफ योर कोर्स. कोर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, या फिर जो सब्जेक्ट जो आपके कोर बेसिक है, जो आपके फाउंडेशन है उस डिग्री के. एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आर एडिशनल सब्जेक्ट्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड, और जो आपको जैसे कि हो गया कंप्यूटर साइंस आप इंटरेस्टेड एरिया और जिसे आप लेना चाहते हैं, जो आपको चॉइस मिलेगी उन चॉइसेस में से आपको सेलेक्ट करने हैं, दैट आर एज इंटरेस्ट पार्ट ऑफ स्टूडेंट. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. ये आप सेगमेंट 3 के साथ भी ऐड कर सकते हैं, जब भी आप प्रोफेसर के साथ या जब भी उस सेगमेंट में रिसर्च कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको सेगमेंट 3 में बताया रिसर्च योर इंटरेस्ट एरिया, तो रिसर्च करना है उस रिसर्च के वक्त आप ये पता कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्स मैं ले सकता हूँ एज ए इलेक्टिव. डोंट ब्लाइंडली फॉलो. आप ब्लाइंडली क्या करते हैं, अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं या किसी से पूछ मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, कभी भी अपने आप को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो. प्लीज़ गिव इम्पोर्टेंस ऑफ योर एरियाज. आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है, यूपीएससी है या फिर आपको टीचिंग करियर में जाना है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, व्हाट आर प्लान्स इन दैट सब्जेक्ट, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग आप वो सब्जेक्ट का डिसीजन लीजिए, सो दैट इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट इन योर फ्यूचर व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन और व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर एम्प्लॉयमेंट. सो लेट्स मूव फर्दर. Always look for prospectus. Prospectus की तरफ जाइए. If you are giving your entrance exam, if you have given your entrance और now you are thinking कि आपको subject क्या select करने हैं, या फिर क्योंकि मेरे पास ऐसे भी students के message आए थे कि ये मैं subject ले सकता हूँ, या फिर ये मैं subject ले सकती हूँ क्या, या फिर हम अपना course change कर सकते हैं, prospectus as your guider, guidance की तरह use करिए और उसे ढंग से रीड करिए और उस एरिया में देखिए कि आपके एरिया में क्या क्या आपके सेगमेंट कौन कौन से आपके पास चॉइस अवेलेबल है, क्योंकि वही प्रोस्पेक्टस आपको हेल्प कराएगा. आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाइए और जाके आप विंडो जो कॉमन विंडो होती है उस पे जाके आप इंक्वायरी कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. इंक्वायरी कर रहे हो तो आपके प्रोफेसर से जाके मिलिए, तो आपको प्रोफेसर कभी मना नहीं करेंगे. यू विल गेट गुड आंसर, यू विल गेट योर आंसर इन योर बेनिफिट. कोर्स का सिलेबस और कोर्स का कोर एरिया भी देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस से आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा. इफ यू लुक सिलेबस, अगर आपने 12th में वो ऑलरेडी कर चुका है तो आपके लिए वो ऑलरेडी नोन होगा, और अगर आपके लिए बिल्कुल अननोन है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो एज अ एडवाइजर. इट कुड बी योर फ्रेंड, मेंटर, और इट कुड बी थ्रू माय चैनल. यू कैन ऑल्सो ईमेल, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और यू कैन कमेंट डाउन, आई विल बी गिव यू रिप्लाई, और जो भी मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करूंगी. मेक डिसीजन. सो नाउ यू हैव टेकन योर रिसर्च एंड नाउ यू गॉट योर शॉर्ट गाइडेंस. तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ योर प्रिफरेंस सब्जेक्ट और उसके जस्ट सामने आपको करियर गोल्स बनाने हैं और अवेलेबल फील्ड इन दैट गोल.
तो मान लीजिए आपके प्रिफरेंस सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर. लिटरेचर में भी दो सेक्शन हो सकते हैं, इट कुड बी इंग्लिश लिटरेचर, इट कुड बी हिंदी लिटरेचर, इट कुड बी लैंग्वेज में हो सकता है संस्कृत हो सकता है उर्दू हो सकता है और एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, इट कुड बी पंजाबी हिंदी. तो वो लैंग्वेज प्रिफरेंस आ गई और उनके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके जो आपके फील्ड में क्या क्या आपके लिए रूट्स अवेलेबल हैं उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स आप जस्ट उसके सामने बना सकते हो. सो उसके जस्ट सामने यू कैन मेक योर गोल्स. आपके क्या गोल्स हैं, जैसे कि आपका गोल है टीचिंग, तो आप टीचिंग में क्या सब्जेक्ट आगे लेकर जा सकते हो. या आपका गोल है यूपीएससी, तो आपके उसके यूपीएससी में आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट क्या होगा. इट कुड बी सोशियोलॉजी, इट कुड बी हिस्ट्री, इट कुड बी एनी अदर सब्जेक्ट. और उसके साथ अगर आप किसी स्पोर्ट्स में टीचर बनना चाहते हो उसका भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है, इट कुड बी ट्रैवल, सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और फ्यूचर में क्या क्या अवेलेबिलिटी है तो वो भी आप बना सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और रिसर्च और हमारे पास जो गाइडेंस है वो कंप्लीट हो गई. नाउ इट्स टाइम टू अलाइन योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. इसके बाद अलाइन करिए आपका सब्जेक्ट और डिसीजन लेकर आप उस सब्जेक्ट को रीड करिए अकॉर्डिंग टू योर कोर सब्जेक्ट एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट. कोर सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप आगे उस फील्ड में लेंगे. इट्स टाइम फॉर बोनस टिप. बोनस टिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड यू आर जंपिंग टूवर्ड्स आर्ट्स, इफ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड और यू आर जंपिंग टूवर्ड्स सब्जेक्ट और किसी और बैकग्राउंड से आप जंप कर रहे हो, तो उनके लिए यही सजेशन है मेरा. प्लीज़ सी ऑप्शन इन योर फील्ड. अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता या फिर आपने 12th तक अपने एरिया में अगर आपको सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी उस वजह से आपने 12th में उस सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ा ज़बरदस्ती, इट कुड बी कॉमर्स, इट कुड बी साइंस, और आपको आर्ट्स नहीं लेना पड़ा क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी उस स्कूल में, एडवाइस ऑफ योर प्रोफेसर और आप किसी बड़ों के एडवाइस लेकर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं. इन बोनस टिप फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर कन्फ्यूज बिटवीन दे आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड एंड नाउ दे आर कन्फ्यूज कि हमें हिंदी मीडियम से ही बैचलर्स डिग्री करनी चाहिए या फिर इंग्लिश मीडियम से करनी चाहिए बैचलर डिग्री. 21st century, इट इज़ कॉम्पिटिटिव एरा, तो आपको अपना जो कॉम्पिटिटिव है वो बढ़ाना चाहिए क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट है अगर आपने अभी तक हिंदी माध्यम से स्कूलिंग की है सो यू शुड रीड ट्राई टू रीड बुक्स इन इंग्लिश मीडियम और पेपर भी आपको इंग्लिश मीडियम में देना चाहिए सो दैट धीरे धीरे आपको 3 साल में आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे और आपको इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी. सो मेरे तरफ से ये आपको बोनस टिप है. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन. आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, एंड इफ़ यू आर प्रिपेरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देन यू कैन फॉलो माई चैनल फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फॉर मेकिंग योर करियर इन इंग्लिश लिटरेचर एरिया. हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट.